MSPM ग्रुप महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत। अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 9271526128 या 9168901429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वड़गांव वार्ड, चंद्रपुर। शैक्षणिक क्रांतीचा अनुभव घेण्यासाठी या सेंट मायकल इंग्लिश स्कूल चंद्रपूर। शैक्षणिक उत्कृष्टता, सह अभ्यासक्रम आणि कलागुणांचा अप्रतिम समतोल असलेली ISO प्रमाणित CBSE आणि स्टेट बोर्ड शाळा। वर्ग नर्सरी ते 10वी। अनुभवी व समर्पित शिक्षक आणि कर्मचारी। दरवर्षी 100% 10वी बोर्डाचे निकाल। सर्व सुविधा युक्त डिजिटल क्लासरूम, प्रशस्त शाळा इमारत आणि परिसर। सर्व सुविधा युक्त संगणक लॅब, विज्ञान व गणित प्रयोगशाळा आणि लायब्ररी। भव्य क्रीडांगण आणि शाळेचा सुंदर बगीचा। CCTV कॅमेरांसह अग्नि सुरक्षा यंत्र आणि आरो पाण्याची सुविधा। सत्र 2023-24 साठी प्रवेश सुरू। सेंट मायकल इंग्लिश स्कूल, नगीना बाग, मिशन कंपाउंड, चंद्रपूर। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। 16 अप्रैल 2023 को खार घर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में न केवल सदस्य राज्यों से बल्कि अन्य राज्यों से भी स्वर्गीय निरुपंकर अप्पा साहेब को प्यार करने वाले लगभग 15 से 20 लाख लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री शामिल हुए। सरकार मूल रूप से कार्यक्रम की योजना नहीं बना सकी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार एक बंद हॉल में दिया जाना था और इसे अमित शाह के आग्रह पर एक जनसभा में बदल दिया गया और सदस्यों को असुविधा हुई। उक्त समारोह महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। 13,62,51,000 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद ये बताया गया है कि खराब योजना के कारण खार घर के सदस्यों की मौत की संख्या 50 से अधिक है। खबर ये भी है कि 1,000 से ज्यादा सदस्यों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये मालूम होने पर सांसद बालू धानोरकर राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की घटिया योजना के कारण राज्य सरकार घुटन घुटन पानी की कमी और भगदड़ की दोषी है। या भाजपाच्या विरोधामध्ये या राज्यात या संपूर्ण भारत देशामधले असलेला लोकांचा रोष आपण पाहत आहोत की त्यांना कुठेतरी सावरण्यासाठी एक संध्याकाळच्या वेळात सुद्धा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असता किंवा एका चार भिंतीच्या आत हा कार्यक्रम घेण्यात आला असता। असं न करता हा कार्यक्रम खुल्या पटांगणात घेण्यात आला। त्या भाविकांना जेवणासाठी सुद्धा विचारण्यात आलं नाही, त्या भाविकांना पाणी सुद्धा देण्यात आलेलं नाही। जे मृत पावलेले आहे त्यांचं पोस्टमॉर्टम झालं तेव्हा असं लक्षात आलं की त्यांच्या जेवणा त्यांच्या पोटामध्ये जेवणाचे कण सुद्धा नाही, अन्न सुद्धा नाही, त्यांच्या पोटामध्ये पाणी सुद्धा नाही। अशा विदारक परिस्थितीमध्ये चेंगराचेंगरी होऊन आणि उष्माघाताने जवळपास 75 लोक तिथे मृत्युमुखी पडलेले आहे। मीडिया कुठं दाखवत नाही, प्रिंट मीडियाला कुठे येतानी पाहत नाही। अशा पद्धतीचं एक अराजकतेचं वातावरण या महाराष्ट्राच्या देशात होत आहे। आज जनतेने दाद मागायची तर कुणाकडे मागायची? या देशाचा गृहमंत्री त्या ठिकाणी, या राज्याचा गृहमंत्री त्या ठिकाणी, या राज्याचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी, या राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री त्या ठिकाणी, यांनी अक्षरशः स्वतः ACच्या स्टेजमध्ये बसले। आणि तिकडे पाहतो आपण तर सगळे जे आले भाविक आणि इतर जनता जे अनुयायी होते ते सगळे धर्माधिकाऱ्यांचे अनुयायी सुद्धा होते, ते सर्व लोक उन्हातानामध्ये बसले होते। अतिशय विदारक परिस्थिती या महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्राला हेलवून टाकणारा हा प्रकार झालेला आहे। आम्ही या महाराष्ट्रातील जनता जागृत झाली आहे, जागृत आहे, सातत्याने हा लढा आम्ही चालू ठेवू। यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे,
जे जे नेते मंडळी जे सरकारचे लोक तिथे होते त्या सर्वावरती परंतु आता गुन्हा दाखल करण्यासाठी मागणी गुन्ह्याकडे करणार गृहमंत्री तिथे केंद्राचे गृहमंत्री तिथे आम्ही याच्या संदर्भामध्ये आता पोलीस स्टेशनला जरी कंप्लेंट दिली तर ते म्हणे नेन्सी मॅटर कारण सगळ्या लोकांचे बॉस तिथे बसलेले त्याच्यामुळे आम्ही याच्या संदर्भामध्ये कोर्टात त्याची दाद मागून कोर्टाच्या माध्यमातून एक पिटिशन दाखल करू आणि या सर्व नेते मंडळावरती गुन्हा दाखल करण्याच्या संदर्भामध्ये सातत्याने पाठपुरावा करू. आज जे मृत पावले आज त्याच्या कुटुंबावरती मोठा डोंगर पसर. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए. अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है टॉप IITian फैकल्टीज 200 कंप्यूटर का लैब 4 एकड़ का खुद का कैंपस खुद का जूनियर कॉलेज संस्थान और छात्रवास भवन 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रवास सुविधा 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा हम अपने नीट JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाते हैं सौम्या करियर इंस्टीट्यूट सीमित सीटें उचित शुल्क संपर्क करें 9271526128 या 9168901429 पता सौम्या कैंपस आकाशवाणी रोड वड़गांव वार्ड चंद्रपुर सर्वांगसाठी पूर्ण फैशन मॉल सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी विस्तृत वैरायटी श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपुर मध्ये श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शंस ब्राइडल लहंगास सारीज चुड़ीदार ड्रेस मटेरियल्स वेस्टर्न वेयर किड्स वेयर मेंस वेयर 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र. नागपुर में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों से दो पहिया वाहन चोरी होने की खबर और शिकायतें आ रही थी जिस पर पुलिस की तहकीकात शुरू थी. अनेक दिनों के अथक प्रयास के बाद शहर से निरंतर चोरी कर रहे वाहन चोरों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 10 दो पहिया वाहन बरामद किए हैं. राणा प्रताप नगर थाने की टीम ने ये कार्रवाई की है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम संजू तिवारी अनिकेत इंदुरकर और प्रणय दुले हैं. आरोपियों के पास से 6 लाख रुपये कीमत के कुल 10 दो पहिया वाहन जब्त किए गए. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं नागपुर की एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां एक दीवार गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और अतिरिक्त 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. दरअसल ये घटना गोंडवाना चौक के JP हाइट्स की दीवार गिरने से हुई है. इस घटना में अमन अशोक यादव और ज्योति अशोक यादव की दर्दनाक मौत हो गई है. हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम मौके वारदात पर पहुंची लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए. इस घटनास्थल के आसपास के लोगों में शोक का वातावरण निर्माण हो गया है. MSPM ग्रुप महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल 1 जूनियर कॉलेज 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम 1 डी फार्म कॉलेज 4 ITI कॉलेज 1 सौमया फिल्म और 1 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियो 250 शिक्षक और 300 सहायक कर्मचारी का विशाल स्टाफ 28 वर्षों से 30,000 से अधिक छात्रों को अपना उज्जवल करियर बनाने की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. यह संभव हुआ है आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन और MSPM ग्रुप के चेयरमैन श्री PS अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व से. हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस विद द डिनाइन एंड लॉजिकल अप्रोच ऑलवेज गेट्स यू टू योर ड्रीम पोजीशन. दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई मोटिवेट माय स्टूडेंट्स फॉर द सेम. और आइकॉन ऑफ विदर्भ एजुकेशन तथा MSPM ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री पीयूष अंबेडकर के भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ. छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए उन्हें नवीनतम तकनीक और सुविधाएं मिलनी चाहिए, यही मेरा दृष्टिकोण है. और प्रबंधन की सबसे प्रेरणादायक महिला श्रीमती अंकिता पीयूष अंबेडकर के साथ. मैं सही चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखने में विश्वास रखती हूँ. अब हमारी नीट JEE और MHT CET की कोचिंग हमारे 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपके बच्चे को एक सफल डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए तैयार करके उनके भविष्य को संवारने के लिए तैयार है. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट
सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 9271526128 या 9168901429। पता सोमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। अपली बैंक चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित शेतकऱ्यांची बैंक, शेतमजुरांची बैंक, महिलांची बैंक, युवकांची बैंक, जिव्हाण्यांची बैंक, आपल्या सर्वांची बैंक, 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल। सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इन्वर्ट अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसाय करिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर्ज, पगारदार महिला करिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर। परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ नगर की समस्त ब्राह्मण संस्थाओं और धर्मानुरागियों के सहयोग से अक्षय तृतीया पर आयोजित विविध कार्यक्रम अंतर्गत 23 अप्रैल को एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन व आरक्षण सभा घेतोली से शाम 6 बजे से किया गया। अजर अमर अविनाशी श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हुए इस संसार को प्रदान करने का संकल्प अमृत ऊर्जा लेकर हमारी सनातनी मान्यता सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया को सत्कार किया जाएगा। आयोजन समिति के संयोजक जितेंद्र शर्मा ने पत्र परिषद की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि शनिवार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर परशुराम जी का जन्मोत्सव शाम 6 बजे पंडित भूत प्रसाद त्रिपाठी के पौरोहित्य में डॉक्टर प्रभावती वाजपेयी परिवार और वहीं एन पारे द्वारा अभिषेक पूजन किया जाएगा। पूजन के साथ नर्मदीय ब्राह्मण समाज के सुभाष शर्मा, राजेंद्र साकल्ले, नर्मदा जोशी और सहयोगियों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का पठन, प्रीति दुबे, संतोष रानी शर्मा, रजनी शर्मा, अर्चना भार्गव, अमिता मिश्रा और सहयोगियों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे श्री धारपुरे और विजया जोशी के नेतृत्व में भार्गव कवच स्त्रोत का पठन किया जाएगा। मैं जितेंद्र शर्मा, परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ शोभा यात्रा का संयोजक, गत 25 वर्षों से शोभा यात्रा का संयोजक हूँ और सभी ब्राह्मण संस्थाओं के सहयोग से हम अक्षय तृतीया के निमित्त हमारे इष्ट देवता अजर अमर अविनाशी भगवान श्री परशुराम जी की एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। इस वर्ष यह शोभा यात्रा 23 अप्रैल को शाम 6 बजे श्री गोरक्षण सभा धंतोली से निकलेगी। इसमें भारत की संस्कृति का प्रदर्शन रहेगा, लोक कला का प्रदर्शन रहेगा, अखाड़ा कला का प्रदर्शन रहेगा, खेल स्पर्धा का प्रदर्शन रहेगा और भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र पर आधारित अनेक अनेक झांकियां इस शोभा यात्रा के मार्ग में सम्मिलित रहेगी। शोभा यात्रा का पूजन सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, विधायक विकास जी ठाकरे, कृष्णा जी खोपड़े, राजेंद्र पुरोहित जी, महेंद्र जी शर्मा, रामकिशन जी ओझा, ऐसे अनेक गणमान्य व्यक्ति शोभा यात्रा का प्रारंभ में पूजन करेंगे और शोभा यात्रा अपने बरडी परिसर से मार्ग से होते हुए वापस पुनः गोरक्षण आएगी और वहां पर महा आरती के उपरांत महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। हम सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि इस अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस शोभा यात्रा में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर लाभ ले लें। आला हजरत प्ले एंड पब्लिक स्कूल, मॉडर्न एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-24 इन नर्सरी टू ग्रेड 3, केस पैटर्न विद कुरान एंड दीनियत। वी ऑफर मॉरल वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, डिजिटल क्लासरूम्स एंड फन एक्टिविटीज, लिमिटेड सीट्स। आला हजरत प्ले स्कूल, नियर KGN मस्जिद, रहमत नगर, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट
7620535751। आला हसरत प्ले स्कूल कॉन्ग्रेचुलेट्स विदर्भ बेस्ट वीडियो न्यूज डिजिटल चैनल पार्थशर समाचार ऑन कंप्लीटिंग 2 years सक्सेसफुली एंड गिविंग बेस्ट विशेस फॉर मैनी ईयर्स टू कम। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल, पुणे नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की। हमें सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहां अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 9271526128 या 9168901429। पता: सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वड़गांव वार्ड, चंद्रपुर।